पेपर लीक मामला से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ईओयू ने 9 परीक्षार्थी को नोटिस भेजा है। ईओयू ने सभी को पूछताछ के लिए बुलाया है। 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईओयू की तरफ से अभिभावकों के साथ भी पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि ईओयू कार्यालय बुलाया गया इन सभी लोगों को, और सभी नीट परीक्षार्थी बिहार के अलग अलग जिलों के हैं। अनुसंधान के दौरान पुलिस की अब तक की छानबीन, सॉल्वर गिरोह के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे। 4 को पुलिस ने पेपर लीक के समय ही गिरफ्तार कर लिया था और बाकी जो 9 परीक्षार्थी बचे थे और उनके बारे में जानकारी के लिए ईओयू ने एनटीए को एक पत्र भी लिखा था। एनटीए ने अपने जवाब में परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र भी भेजा था। ईओयू को परीक्षार्थी के मोबाइल नंबर और पते की जानकारी मिली और इसी पते पर नोटिस भेजकर परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। परीक्षार्थियों से सॉल्वर गिरोह से जुड़ाव के बारे में सवाल किया जाएगा। पेपर लीक मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार अब तक कर लिया है। और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। सक्षमता परीक्षा 2 की तिथि का ऐलान हो गया है। 26, 27 और 28 जून को सक्षमता परीक्षा 2 का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 85,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसके साथ ही बीपीएससी ने भी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। 28 जून को प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा होगी। दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक पटना और मुजफ्फरपुर में परीक्षा ली जाएगी। 150 अंक की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। वहीं 29 जून को प्रधान शिक्षक पद के लिए परीक्षा होगी। बिहार के 13 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ट्रेन के B6 बोगी की खिड़की जो है वो टूटी है। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। जयनगर से नई दिल्ली की ओर ये ट्रेन जा रही थी। आपको बता दें इस पथराव में एक बच्चा जो है उसको चोट आई है, साथ ही साथ 2 और लोग हैं जिन्हें चोट आई है। दरभंगा ककरघटी के बीच पथराव का मामला सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के अब प्रशासन के संज्ञान में ये मामला है, अब छानबीन की जा रही है। जयनगर से नई दिल्ली की ओर ये ट्रेन जा रही थी, पथराव किया गया इस ट्रेन पर और पथराव के दौरान आपको बता दें कि एक बच्चे को चोट लगी है, 2 और यात्री हैं जो कि घायल हो गए। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जयनगर से दिल्ली जा रहे हैं। क्या घटना हुई है? पत्थर मारा शीशे के ऊपर, सीट पर बैठे मेरे बच्चे, उसके आँख में शीशा लगा है, शीशा टूटने आगे गया हुआ है, कोई सुविधा नहीं है, अभी आया है। क्या बोल रहे हैं मेडिकल टीम वाले? बोले यहाँ बच्चे उतारो, यहाँ हॉस्पिटल ले चलो। क्या दिक्कत क्या हो रहा है आपको? शीशा गिर गई है। इलाज करवाना है इनका। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम गाड़ी दिल्ली जा रही है, जयनगर से गाड़ी पकड़े दिल्ली जा रही है। दिल्ली जा रहे थे। हाँ।